मित्र, मैं YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं ग्राम पंचायत गनाड़ा में हूँ। क्या नाम आपका? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह जी के पर दूरभाष के माध्यम से इन्होंने मुझे सूचना दी थी कि यहाँ पर एक इनके पास में एक सांप है, ब्राउन कलर का, लेकिन ये सांप नहीं है, ये मादा गोइड़ा है और इसमें जहर नहीं होता है। दोस्तों, इसका जो भ्रम है लोगों के अंदर ऐसा है कि लोग कहते हैं कि खूब मारता है तो ये इंसान को मार देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा जीव जंतु है। ये अपने पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने में इसकी अहम भूमिका। आज हमने एक मॉनिटर लिजर्ड, जो कि गांव की भाषा में इसको गोइरा बोलते हैं, और इसको अभी हमने ग्राम पंचायत गनाड़ा से इसको रेस्क्यू किया था। एक अपने मित्र हैं राजपूत परिवार से, उनके घर पर ये कमरे के अंदर चली गई थी और इसको कड़ी मशक्कत के बाद में इसको हमने रेस्क्यू किया है। ये दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ताकत है, ना कि इसमें जहर है। लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये दुनिया के अंदर एक भ्रम होता है कि जो गोइरा प्रजाति का जो होता है वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है और वो फूंक से इंसान को या किसी भी जीव को मार सकता है। तो दोस्तों, इस तरह के कोई भी वार्तालाप ना करें किसी के साथ में, ऐसा भ्रम ना फैलाएं, और वन्य जीवों को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू करने के लिए आप हमारा सहयोग प्रदान करें। और हमारा जो चैनल है, मेरा चैनल का नाम है सुखदेव भट्ट कोबरा, और इस पे पूर्णतया जानकारी है मेरी, जिससे कि जो भी वन्य जीव की जानकारी देना चाहें तो मेरे 8290-7565 और 8290-14-2006 पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं भी हमारे साथ में बंटी जी पारा सर और हमारे राजू जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, इस्माइल भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खरेकड़ी के रहने वाले हैं। और आज धीरे धीरे वैसे जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं इंसान, वैसे वैसे मेरी टीम में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे थोड़ा पास में आके। काफ़ी बड़ी है और तंदुरुस्त है। ये गिरगिट है, चूहा है, गिलहरी है, और यहाँ तक कि किसी पक्षी के अंडे भी ये खा जाती है। मेरा जहाँ तक मानना है इसकी उम्र अभी 8 से 10 वर्ष की है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे, जिससे कि हर कोई वन्य जीव को बचाने के लिए आगे आएंगे। धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए।